गन्ना आयोग कार्यालय पर हजारों किसान बैठकर अपनी मांगों को लेकर सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था यूपी सरकार को कि मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री की ओर से कोई आ के उनसे मिले, उनसे वार्ता करे और जो उनकी समस्याएं हैं उसको लेकर निस्तारण करे, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में शाम को जो है, जो हजारों की संख्या में किसान थे वो रोडों पर उतर चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मौके पर जो भारी पुलिस बल तैनात था उन्होंने आगे जाने से रोक दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे जो है तमाम पुलिस फोर्स तैनात है। रोकने के बाद जो किसान थे वो सड़कों पर बैठ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर, सुबह से आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, क्या हुआ, कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई, इसी वजह से सड़कों पर उतरना पड़ा किसानों को। किसान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अपनी मांगों को लेकर आया। गन्ने की बहुत बड़ी दिक्कत है, गन्ने की फसल का रेट नहीं बढ़ाए जा रहे, पेमेंट वो नहीं दिया जा रहा और कीटनाशक और खपतवार इन पर लगातार रेट बढ़ाए जा रहे। बिजली की बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने, हमारे मुख्यमंत्री लगातार बता रहे कि किसानों की आय दोगुनी करी जाएगी, लेकिन किसान अगर मुख्यमंत्री नीचे धरती पर ग्राउंड रिपोर्ट लेकर देखो, ग्राउंड पर जाकर काम करो, तो किसान और धरती में गड़ गया। मतलब सुबह से किसान 10 बजे से यहाँ किसानों की पंचायत चल रही, गन्ना आयुक्त कार्यालय पर किसान बैठा, लेकिन गन्ना आयुक्त जो अधिकारी है वही किसानों के बीच में आना पसंद नहीं कर रहा, ये अटकर्मित अधिकारियों की चल रही। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम कालीदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाह रहे कि आप किसानों के लिए स्कीम बना रहे, लगातार किसानों की वादा कर रहे कि इनकी आय दोगुनी होगी, लेकिन किसानों का हाल बुरा कर रखा है इन अधिकारियों ने। आप इनका इलाज करो, नहीं तो 2027 में आपकी सरकार का इलाज होगा। किसान कर देंगे, आपको बदनाम करने का काम कर रहे ये अधिकारी। क्या आगे की क्या रणनीति, अभी कोई वार्ता हुई है कुछ? अभी कोई वार्ता नहीं हुई, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और सब किसान मिलकर अगर मुख्यमंत्री जी के आवास पर जा रहे, रास्ते में अगर कोई वार्ता हुई तो वो भी आपको बता दी जाएगी। अभी आप लोग जा रहे थे तो आप लोगों को पुलिस बल के द्वारा रोक लिया गया? रोका कुछ नहीं, बीच में अधिकारी आए, प्रशासनिक अधिकारी, वे वार्ता कर दे हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, अगर प्रशासन रोकेगा कोई बात नहीं, मारा लाठी तो मार सका, जेल भेज सका, उसके लिए किसान तैयार है। सुबह से आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं। लखनऊ आए हैं जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ किसानों की समस्याएं लेके, माननीय राजेश चौहान जी, धर्मेंद्र मलिक जी के आह्वान पे हम हरिद्वार मुजफ्फरनगर से, इधर सहारनपुर बिजनौर से बहुत किसान आए हैं। किसानों की देखो बहुत समस्याएं हैं, सबसे मेन समस्या है बिजली की। यहाँ पे बोला जाता है कि 24 घंटे बिजली किसान को, 10 घंटे बिजली किसान को दी जा रही है, लेकिन वास्तव में खेतों में 10 घंटे बिजली नहीं पहुँच पा रही। लो वोल्टेज की सबसे बड़ी समस्या है प्रदेश में, लो वोल्टेज और गलत बिल निकाले जाते हैं। किसी घर का 1-1 लाख रुपये महीना का बिल, एक घर का 1-1 लाख रुपये का महीना का बिल है, और उस बिल को फिर ठीक करने के 20,000 रुपये ले जाते हैं। तो ये अधिकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का तो काम क्या करें, बल्कि और उसका उल्टा असर हो रहा है, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं अधिकारी। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, कि वो इन अधिकारियों पर अपनी लगाम कसे। देश में बेरोजगारी बहुत है, अगर इन्हें हटाओगे तो 1 करोड़ युवा तैयार खड़ा नौकरी के लिए, इनसे भी बेहतर और इनसे भी बहुत ईमानदार। इन लोगों को आदत पड़ चुकी है बेमानना करने की, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर ये नहीं काम करे तो हटा देना, नहीं हुआ तैयार है। बहुत किसानों के बच्चे पढ़े लिखे घर में घूम रहे। बिजली को लेकर आप जो है आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लगातार ऊर्जा मंत्री समीक्षा करते हैं, बैठक करते हैं, कहते हैं कि बिजली आपूर्ति जो है किसानों को लेकर पूरी कराई जा रही है। ऊर्जा मंत्री पैनी चलाते जी, पैनी चलाऊंगा किसान, और किसानों की हालत, हम किसान हैं, हम जाना है, हजारों की संख्या में यहाँ किसान आया, पागल थोड़ा ही ना है। अगर उनकी बिजली की सुचारू समस्या होती, नहरों की परमानेंट खुदाई होती, नहरों तक टाल तक पानी पहुंचता, कागजों में सारी नहरें खुदी पड़ी हैं, लेकिन मुझे एक टाल की नहर तक पानी दिखा दो, किसी खेत में नहर का पानी गया हो तो। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर एक किसान को ये कह दे कि मेरे खेत में नहर का पानी आया तो मैं उसका गुलाम हो जाऊँ। गन्ना भुगतान की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने अभी कुछ समय पहले जो है कार्यक्रम किया था, कहा था कि गन्ना जो प्रदेश के किसान हैं सभी का गन्ना भुगतान कर दिया गया। गन्ना भुगतान की हमारे यहाँ बैसाना चीनी मिल है, और कौन कौन सी जी में बुढ़ाना है, कई मिलों पर आज भी किसानों का जो 1 रुपया नहीं दिया इस सीजन का, तो दिया नहीं पिछले सीजन का, बाकी है। उनके बच्चे आज भुखमरी के कगार पर, फीस नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों की, बिजली के बिल इतने बढ़े हुए हैं,
और बहुत समस्याएं हैं किसान को, गन्ना ही तो एकमात्र साधना हमारी आएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। और अगर उसका ही पेमेंट नहीं मिलेगा, बीच में कोई दलाल या कोई भी अधिकारी उस पैसे को रोकने का काम करा जा रहा और हमें ब्याज देने का काम कर रही गवर्नमेंट, लिखा जा रहा कागजों में कि किसान को गन्ना भुगतान पर ब्याज दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं मिल रहा, सब हवाई है। मूल भी नहीं मिल रहा, ब्याज तो ब्याज मूल भी नहीं मिल पा रहा। सरकार से हमारी मांगे हैं वो हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें दिया है अधिकारियों को, अभी अधिकारियों से वार्ता चल रही है और जो आगे का निर्देश होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ किसान जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी जो है किसानों और अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है, जो भी निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल अभी जो है ये लोग मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। लखनऊ से अमृत उचार के लिए अंकित यादव की रिपोर्ट।